Hi guys, this is Vanya Mishra and welcome back to my YouTube channel. So, आज के वीडियो में I am going to show you all some really cute summer appropriate night suits which I purchased from Meesho. So, कुछ दिन पहले ही मैंने Meesho पे अपना night suits collection haul शेयर किया था and you guys absolutely loved it. So, I thought कि part 2 तो लाना बनता ही है. So, I am here yet again with lots and lots of night suits to show you all. And आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी भरी गर्मी में धूप में क्यों बैठी हूँ. Because यहाँ से lighting काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है. So, मैंने सोचा कि why not, थोड़ा vitamin D भी मिल जाएगा हमको. थोड़ी बहुत धूप में तो हमें बैठ ही जाना चाहिए. तो चलिए अब हम और देर नहीं करते हैं एंड फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. Which I got from Meesho is the one which I'm wearing right now. So मैंने सोचा जो पहन रखा है उसी से शुरुआत कर लेते हैं. So this is the first night suit and this is one of my favorite night suits from the entire collection, guys. I'm telling you, दो reasons हैं उसके. First one is that ये जो night suit है ये pure cotton के material में मुझे मिला है and इसका जो tropical design है, इसका ट्रॉपिकल डिज़ाइन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया. इट्स अप्रोप्रिएट फॉर समर्स. यानी मुझे ना क्वाड सेट वाली वाइब दे रहा है. इट्स नॉट इवन लुकिंग लाइक अ नाइट सूट. एंड ये मुझे मिला है 608 रुपीज़ का, विच आई डोंट थिंक इट्स बैड एट ऑल बिकॉज ऑफ द क्वालिटी. बहुत अच्छे से कॉटन का लाइट मटेरियल है तो स्वेट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होने वाला है. बहुत एयरी सा नाइट सूट है. आप रात में भी पहन के सो सकते हैं, यू नो, बिकॉज नीचे से हमें फुल पैंट मिलता है, शॉर्ट्स नहीं है. सो मेरे हिसाब से इट्स अ 10/10 क्वालिटी प्रोडक्ट है. एब्सोल्युटली लव्ड इट. तो अगर यू नो आप लोगों को भी इस टाइप की नाइट सूट्स पसंद हैं, ऐसे कॉलो वाले एंड यू नो बहुत ज़्यादा ऐसे 90s की वाइब देते हैं, बिकॉज 90s जब हम लोग छोटे होते थे तब इस टाइप के नाइट सूट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होते थे. सो आप लोग ना इस नाइट सूट को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं अगर आप लोग, आपको ये मेरे ऊपर पसंद आ रहा है तो. सो यस, सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं सेकेंड नाइट सूट की तरफ. सो जो सेकेंड नाइट सूट है, अगेन वो भी एक कॉटन का नाइट सूट है एंड इस टाइप के जो प्रिंट्स के नाइट सूट होते हैं ना, वो मुझे इतने 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 ज़्यादा पसंद आते हैं गाइस. सो आप देख सकते हैं बहुत प्रिटी सा ना, ऐसे अगेन राजस्थानी से प्रिंट का, मतलब राजस्थानी प्रिंट कुछ नहीं होता है बट राजस्थानी प्रिंट से मेरा मतलब ऐसे जयपुरी कुर्ताज में इस टाइप के प्रिंट्स आते हैं ना, उस टाइप का कुछ इसका टॉप है. एंड सबसे अच्छी बात, इसके बॉटम में ऐसे पॉम्पम दिया हुआ है. सो ये भी प्योर कॉटन का नाइट सूट है. इसके बॉटम में हमको फुल पैंट मिलता है, फुल पैंट, जिसके नीचे भी हमको ऐसे पॉम्पम दिया हुआ है. सो बहुत अच्छी क्वालिटी का नाइट सूट है, प्योर कॉटन का है. एंड इसका प्राइस मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. ये मुझे 467 में मिला है. लार्ज साइज मैंने ऑर्डर किया है. सो मैं मीशो में ना यूजुअली लार्ज साइजेस ही ऑर्डर करती हूँ बिकॉज मीशो के स्मॉल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं. मीडियम कभी मुझे फिट होता है, कभी मुझे फिट नहीं होता है. तो मैं सोचती हूँ कि लार्ज ले लेती हूँ, थोड़ा लूज होगा तो चल जाएगा बट एटलीस्ट मुझे फिट आ जाना चाहिए. वैसे भी आई थिंक आई एम एन इन्वर्टेड ट्राइंगल बॉडी टाइप गर्ल. मेरे शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉड हैं, अगेन मेरे लेग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लीक हैं. सो जो मेरी इन्वर्टेड ट्राइंगल बॉडी टाइप है ना, इसके लिए मुझे एल साइज लेना पड़ता है बिकॉज मेरे शोल्डर्स ब्रॉड होने की वजह से मुझे ऊपर से फिर फिट नहीं होते, चेस्ट से जाते ही नहीं नीचे. ओके गाइस, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाइट सूट व्हिच आई गॉट फ्रॉम मीशो इज दिस वन. तो ये जो नाइट सूट है ये भी इस तरीके से ना ऐसे कॉलो वाले पैटर्न में है एंड पूरे नाइट सूट में इस तरीके से चेकर्ड के प्रिंट्स बने हुए हैं. बहुत अच्छा सा ऐसे रस्ट ब्राउन, रस्ट ऑरेंज कलर है एंड नीचे हमको इस तरीके से शॉर्ट्स मिलता है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा. सो ये जो नाइट सूट्स है ना, ये कोरियन नाइट सूट्स के यूजुअली कॉपीड होते हैं. सो आई डोंट नो, मीशो इज लिटरली ऑब्सेस्ड विद कोरियन टॉप्स, कोरियन ड्रेसेस, कोरियन नाइट सूट्स. तो अगर आप यूज सिंपली भी डाल देंगे ना कोरियन नाइट सूट्स, तो आपको मीशो में इस तरीके के ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो ये वाले जो नाइट सूट है, इसका मटेरियल प्योर कॉटन नहीं है अनलाइक दीज टू, पर इसका जो मटेरियल है वो ऐसे पॉली कॉटन टाइप्स में, जो मतलब यूजुअली नाइट सूट्स के मटेरियल होते हैं ना, उस टाइप का कुछ मटेरियल है. पॉलिएस्टर नहीं है, मतलब पैराशूटी मटेरियल नहीं है, लेकिन पॉली कॉटन है, कॉटन भी नहीं है. सो ये वाला जो नाइट सूट है ये मुझे 589 में मिला है. 589 के हिसाब से काफ़ी क्यूट प्रोडक्ट है. बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी टाइप का लगता है मुझे ये नाइट सूट. मतलब मैं आपको बताऊँ, 2024 का जो ट्रेंड है ना, इट्स ऑल अबाउट चेकर्ड्स एंड और चेक्स. यू कैन से चेक्स आर लिटरली एवरीवेयर. शायद आपको पीछे बैकग्राउंड में मेरा जो वो डाइनिंग टेबल का कवर दिख रहा होगा, दैट टू अगेन आई गॉट इट इन चेकर्ड फॉर्म. सो चेक्स आर एवरीवेयर. सो जो नेक्स्ट नाइट सूट मैंने परचेज किया है वो भी कोरियन नाइट सूट ही है.
सो ये जो नाइट सूट है ना, इसमें काफी ज्यादा क्यूट क्यूट से इस तरीके से पैंडा बने हैं, या फिर या इस तरीके से काफी ज्यादा क्यूट क्यूट से ना ऐसे पैंडास बने हुए हैं. एंड अगेन ये भी चेकर्ड फॉर्म में भी, आई एम टेलिंग यू ना, चेक्स आर एवरीवेयर. सो रीजन ये है कि सब तरीके के नाइट सूट भी चेक्स में ही मुझे मिले. एंड इसमें ना बहुत प्रिटी सा ऐसे पाउडर ब्लू एंड व्हाइट्स के कॉम्बिनेशन में चेक्स बने हुए हैं. एंड फ्रंट में ना ऐसे न्यूड कलर की स्ट्राइप्स दी हुई. आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल टू यू और नॉट बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, आई थिंक इट इज. नीचे हमको फुल पैंट मिलता है, शॉर्ट्स नहीं मिलता है. सो इट्स going to be very good for those women's जो कि है ना, let's say जो कि अपने in-laws के साथ रहती हैं. and if your in-laws are not that open-minded and you are not able to wear shorts in front of them, then I think this is going to be a good option. तो आप घर में आराम से गर्मियों में पहन के घूम सकते हैं, you do not have to worry. I can totally relate and I can totally understand, because let's be honest, we live in India and not everybody's in-laws are that open-minded, or not everybody's parents are that open-minded when it comes to clothing. So I don't mean to offend anyone, but I'm just speaking out the reality here. I hope you guys understand my point here. So coming back to the haul, I'm going to tell you the price. Price of this night suit is 520 rupees. I got this in XL size. I don't know why I got it in XL. I think size available नहीं होगा maybe. And ये जो है ये poly cotton के material में है. This night suit है again वो भी ना इस तरीके से sky blue color का night suit है. So ये night suit के काफी सारे reviews थे जो मैंने देखे थे. And ये भी हमको इसकी ऐसी short pattern में मिलता है, collar वाला है, 90s vibe देता है. इसका जो material है वो silk blended है. It's not satin, not polyester, but it's kind of a silk blended material. नीचे हमको इस तरीके से cute सा shorts मिलता है. So अभी आप सोचेंगे कि अभी इतनी बोल रही थी कि मैंने shorts वाले, मतलब तो मैंने दोनों तरीके के options रख के रखे हैं, pants भी रखे हैं, shorts वाले भी खरीदे, because हर किसी को pants वाले night suit पहनना अच्छे नहीं लगते. मुझे भी इनफैक्ट रात में ना comfortable ज़्यादातर आई लाइक टू वेयर शॉर्ट्स जब भी मैं रात में सो रही होती हूँ, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी में लाइक आई कैन नॉट टॉलरेट पजामाज एट ऑल. तो मतलब उन लोगों के लिए भी तो ऑप्शन होने चाहिए ना गाइस. तो वो उस हिसाब से आए, मैंने कुछ शॉर्ट्स वाले भी रखे हैं. सो ये काफ़ी क्यूट से ऐसे शॉर्ट्स है. एंड यहाँ पर हमको ऐसे पॉकेट भी है. तो पॉकेट सब में नहीं है, किसी किसी में पॉकेट्स है. जैसे ये जो मैंने पहन रखा है इसके अंदर पॉकेट है, बट काफ़ी सारे में पॉकेट्स नहीं भी है. तो ये वाले नाइट सूट का प्राइस है 345. लार्ज साइज में मैंने लिया है एंड सिल्क प्लेटेड मटेरियल है. सब कुछ लिख रखा है तो इसलिए फिर से बताया मैंने. तो 345 के हिसाब से इट्स जस्ट एब्सोल्युटली परफेक्ट गाइस. ओके गाइस, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाइट सूट विच आई गॉट इज दिस वन. सो ये जो नाइट सूट है ना, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं लग रहा था पिक्चर में. मतलब पिक्चर में जो ये बीच में इस तरीके से बेज सा ऑफ वाइट सा कलर दिया ना, पिक्चर में ये प्योर व्हाइट था. सो आई गॉट कन्फ्यूज, लाइक आई डिडंट गॉट कन्फ्यूज, दे गॉट कन्फ्यूज कि उन्होंने अगर सेम डुप्लीकेट बनाना था तो सेम तो बनाते. मतलब ये वाला मुझे उतना पसंद नहीं आया. जब भी मैं इसको ट्राई कर रही थी, आई वॉज थिंकिंग कि यार ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था. तब भी मैंने फिर अपनी ऑर्डर हिस्ट्री चेक की, तब मुझे मालूम चला कि द वन विच आई ऑर्डर्ड वॉज व्हाइट फ्रॉम लाइक उसका बेस व्हाइट था, बट इसका बेस जो है ना वैसा बेज काइंड ऑफ क्रीम काइंड ऑफ है. एंड पूरे नाइट सूट में ऐसे शीप्स बनी हुई है डार्क नेवी ब्लू कलर में. सो ये जो है ये 574 का है एंड ये फ्री साइज का नाइट सूट है. इसमें मैंने कोई भी साइज सेलेक्ट नहीं किया. सो इसका जो मटेरियल है वो होजरी मटेरियल इसमें लिखा हुआ था. एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट विथ यू ऑल. सो ये मटेरियल आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस मटेरियल. सॉरी गाइज, समवन वॉज एट द डोर, आई थिंक डिलीवरी गाय, सो मुझे वो देखना पड़ा. सो वेयर वॉज आई, येस आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर नाइट सूट राइट हियर. सो मैंने आई थिंक आपको बता दिया था कि कलर का थोड़ा लोचा हुआ. एंड इन जनरल ना मुझे इसका मटेरियल पसंद नहीं. मतलब जो इस टाइप के नाइट सूट्स आते हैं ना, सॉरी जो ये होजरी मटेरियल के होते हैं ना, आई डोंट लाइक द मटेरियल, बिकॉज गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल बकवास होते हैं. नो मैटर कि ये लुक्स में मुझे कितना ही अच्छा लग रहा हो पहनने के बाद, इट्स लुकिंग गुड. ओके, आई एम नॉट डिनाइंग दैट इट्स नॉट लुकिंग क्यूट, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट मटेरियल. इसको रिटर्न करने वाली हूँ बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल ओनली. लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट नाइट सूट ऑफ टुडेज हॉल. इज ऑल्सो आई थिंक अजीब से मटेरियल का नाइट सूट. सो ये इस तरीके का टी शर्ट आया है एंड नीचे ना इस तरीके का चेकर्ड सा पजामा आया है. तो ये वाला जो नाइट सूट है ये कॉटन ब्लेंड मटेरियल का है, ये होजरी का नहीं है. ओके, एंड इस ये वाला जो नाइट सूट है ये मैंने 399 में परचेज किया है लार्ज साइज में. सो ये लार्ज के हिसाब से ना मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा है. आप लोगों को ट्राई ऑन में भी लगेगा कि मुझे टी शर्ट टाइट हो रही है. एंड मैं इतने ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना प्रेफर करती हूँ. सो आई एम गोइंग टू आइदर रिप्लेस इट और रिटर्न इट. मटेरियल वाइज इट्स नॉट द बेस्ट, बट इट्स ओके. इससे बेटर मटेरियल के नाइट सूट्स मैंने आपको पहले दिखा दिए हैं. सो मुझे ये नाइट सूट ना इसके प्राइस के हिसाब से
थोड़ा सा महंगा लग रहा है, मतलब ये 399 का है, सो 399 के हिसाब से इसका मटेरियल वर्थ इट नहीं लगा मुझे. ये आई थिंक इट शुड नॉट हैव बीन मोर देन 250 और समथिंग. सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइज टू यू नो इन्वेस्ट योर मनी ऑन दिस वन, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज इससे ज़्यादा अच्छे ये और जिससे पहले जो मैंने आपको दिखाए थे कोरियन नाइट सूट्स, वो ज़्यादा अच्छे थे. सो या मीशो का ना गाइज ऐसे ही रहता है कि मीशो से अगर आप 10 कपड़े ऑर्डर कर रहे हैं, सो ऐसा हर बार नहीं होगा कि 10 के 10 ही आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे. देर आर वेरी हाई चांसेस कि 10 में से 6 अच्छे निकलेंगे तो 4 खराब निकलेंगे ही निकलेंगे. मीशो इज ऑल अबाउट यू नो हिट एंड ट्राई, बिकॉज बहुत से लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझसे कहते हैं कि यार मीशो में हमें तो अच्छे कपड़े मिलते ही नहीं है. येस दैट इज द केस, बिकॉज अगर आप एक कपड़ा मंगा रहे हैं सो देर आर हाई चांसेस कि वो शायद अच्छा ना आए, बट अगर आप 10 मंगा रहे हैं तो उस 10 में से 5 या 6 अच्छे आने के चांसेस होते ही होते हैं. सो गाइज विद दिस वी हैव कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ टूडेज वीडियो. आप लोगों का मेरा हॉल अच्छा लगा हो एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सारे नाइट सूट्स की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड खुद के लिए परचेज कर सकते हैं. मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में नए हॉल के साथ या फिर नए व्लॉग के साथ. लेट्स सी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, ताकि अगर मैं कोई और वीडियो डालूँ तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो. बिकॉज ये साल ना मैंने लिटरली सोच कर कहा कि आई एम गोइंग टू अपलोड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हॉल्स फॉर यू गाइज. सो या क्या सोच रहे, जल्दी से चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को. ऑल्सो यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई शेयर सम रियली क्यूट रील्स देयर. एंड मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में. एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.